जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। आज बनाइए हल्दी गाजर मिर्ची का संभारा, बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। बनाने का तरीका शुरू करते हैं। हमने सबसे पहला हल्दी कट करके ले लिया है। 50 ग्राम इतनी हल्दी है, 50 ग्राम इतना गाजर है, इससे 25 ग्राम इतने हरी मिर्ची है, 50 ग्राम इतना प्याज है। अब प्याज डालना चाहो तो डालना, ना डालना चाहो तो भी चलेगा। आधा लेमन है और जो भी मसाला करेंगे वो आपको दिखाएंगे। तेल डालेंगे, एक चम्मच इतना तेल लेना है। अच्छे से तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है, थोड़ी सी राई जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे एक चुटकी। सबसे पहले डालेंगे हल्दी, तेल के अंदर 2 मिनट तक हल्दी को पकाएंगे। हल्दी एकदम फ्रेश वाली, एकदम ताजी, खेतों से मंगाया हुआ था तो हल्दी थोड़ी पक चुकी है। प्याज डालेंगे, गाजर साथ में, सॉरी मिर्ची, अच्छे से मिलाएंगे। आपके घर पे 2-3 दिन संभारा रखना हो तो प्याज मत डालना, बिना प्याज का बनाना। हमारे घर पे तो तुरंत खलास हो जाता है, इसलिए हमने प्याज डाला है। प्याज वाला तुम सुबह का शाम तक खा सकते हो, दूसरे दिन तक मत खाना। देखिए अच्छे से मिला दिया है, साथ में डाल देंगे हम पैदा नमक। 1 चम्मच इतना नमक डालना है। नमक डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे, थोड़ा सा धनिया जीरा, थोड़ी सी काश्मीरी मिर्ची, एक चुटकी डालनी है, ज़्यादा मत डालना। इसे कोई गरम मसाला वगैरह नहीं है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आप दाल चावल के साथ खाओ या रोटियों के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा। 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट जितना हो गया, आप देखिए बहुत ही बढ़िया गाजर रोली पक चुके हैं। साथ में डाल देंगे लेमन। लेमन डालने से बहुत ही बढ़िया लगेगा, एकदम चटपटा। चलिए हमारा संभारा तो रेडी हो चुका है। थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद गैस को बंद कर दिया करेंगे। एक बाउल के अंदर निकाल देंगे। ये संभारा प्याज भी ना बनाओ, हफ्ते भर भी खा सकते हो आप। देखिए एकदम आसानी से हमारा संभारा बनके रेडी हो चुका है। सब्जी कट की हुई है, तुरंत बन जाता है। हल्दी गाजर मिर्चा सब कट किए हुए जल्दी बन जाएगा। मित्रों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ एक लाइक कर देना, दोस्तों के अंदर शेयर कर देना। इस संभारे को हम दाल चावल के साथ खाने वाले हैं, साथ भी खा सकते हो। दूसरी वीडियो के साथ वापस मिलेंगे, तब तक ओके बाय बाय।